नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को, आप लोग यहाँ पे हो और आज मैं पहली बार इस मीटिंग में, आज तक इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आप धन्यवाद करना चाहूँगी जो पंकज सर आए हमारे बीच में इतनी दूर से। और नेतागिरी से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, नफरत होती थी पहले की, क्योंकि हमने देखा है हमेशा राजनीति में कूटनीति, तो हमें लगता था हमारे हित के लिए आज तक कभी भी कोई जनता और कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपने भैया को देखा था बार बार कि वो आम जनता से जुड़ के काम करता था, और मैं जब भी देखा हूँ अपने भैया को, धीरज मेरे भाई हैं, जो एक टीचर है और हमेशा मतलब शिक्षा के लिए वो लड़ता है कि हमारे जो सबसे बड़ी जो हथियार है वो है शिक्षा। और मैंने आज, मैं भी कुछ भी बनी हूँ, मेरे भैया ने मुझे मतलब इतना आगे बढ़ाया, शिक्षा के आधार पर सपोर्ट किया कि अगर तुम एक लड़की हो, तो जैसे महिला आज यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख रहे हो आपके बीच में महिलाएं बहुत कम है, इसका रीजन क्या है? शिक्षा, क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। अगर हम दो एक साथ खड़े होते हैं शिक्षा के साथ, तो हमारा जनता मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होगा। और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ कि यहाँ पे जो अभी हमारी लड़ाई हो रही है वो शिक्षा के लिए हो रही है। जिसे मैंने सर को सुना है, उन्होंने बोला कि सच में 2-2 लाख मतलब एडमिशन चार्ज, मेरी भी बच्ची है, सभी के माँ बाप का एक इच्छा होता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम होती है उस वजह से वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, गवर्नमेंट में बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि पढ़ाई की इतनी लापरवाही हो चुकी है। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए तो चाहे अगर हमारे, मैं चाहती हूँ कि अगर इसके लिए हमें लड़ते लड़ते जान भी चले जाना, तो शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना हम सबका एक अपना हक है और उसे लेना चाहिए और इनमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो आप सबको बोलूंगी, जैसे अभी मैम ने बताया कि 2 से 4 होना, तो अगर सच में हम अपनी बहन बेटियों को और अपनी वाइफ को ऐसे सम्मिलित में साथ लेके चलेंगे, तो उनकी भी जो अंदर की तो ताकत है वो आएगा साथ में और मिलके काम करेंगे। तो आप समझ रहे हो घर में सबके 2-2 लोग होते ही हैं, सभी की बेटी बहन है। आज मेरे भैया ने मुझे इन्वाइट किया है, आप सभी अपनी बहन को इन्वाइट कर सकते हो, अपनी वाइफ को इन्वाइट कर सकते हो, अपनी माँ को, सबको अधिकार दीजिए। और लड़के साथ हम खड़े होना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आगे आऊँगी और काम के साथ। थैंक यू सभी को, थैंक यू सर, थैंक यू।